नमस्कार मम्मी अम्मी किचन फूड में आपका स्वागत है। आज मैं जा रही हूँ चिकन हरियाली बनाने और मैं बना के आपको दिखाती हूँ। ये चिकन है चिकन हरियाली के लिए और ये हरी प्याज है इसके लिए और ये धनिया पत्ता, ये हरा लहसुन काट के मैं रख ली हूँ, ये हरी मिर्च और हरा धनिया हो गया, दो इलायची और जीरा, और ये सारे मटेरियल को मैं पीस करके इस बॉल में रख ली हूँ। पूरा मटेरियल इसमें रख ली हूँ और इसमें मैं चिकन मैश करूँगी। इसके लिए थोड़ी सी इसमें हल्दी, क्योंकि हल्दी डालना ज़रूरी होता है, हम लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें हल्दी शुभ होता है, इसलिए हल्दी डाल रही हूँ थोड़ी सी, नहीं तो इसमें सब कुछ हरा डलेगा। और इसके बाद नमक स्वाद अनुसार, ये चिकन है, इसमें प्याज नहीं पीसी हूँ, बस धनिया लहसुन और हरी मिर्च पीसी हूँ। प्याज को मैं फोरन देके उसको पहले तेल में भूनूंगी, फिर इसको डालूंगी मैं, और इसे सबको अच्छी तरह से मिला करके 20 मिनट के लिए फ्रीज में रेस्ट होने के लिए इसको रखूंगी। 20 मिनट बाद जब ये सेट हो जाएगा मसाला, फिर मैं बनाऊंगी। और थोड़ी सी इसमें कच्चा तेल, और इसे घी में बनाऊंगी, देसी घी में। अब ये अच्छी तरह से सेट मैश हो गया है, अब इसे मैं फ्रिज में डाल रही हूँ सेट होने के लिए। 20 मिनट बाद इसे मैं निकाल करके फिर बनाऊंगी। चिकन हरियाली के लिए मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, कढ़ाई गरम हो रहा है, इसमें एक दालचीनी डाल दी हूँ, एक दो तेज पत्ता और ये देसी घी। दो बड़ी इलायची, जीरा, और ये लहसुन पत्ता कटी हुई, दो हरी मिर्च, thank you.
और ये हरा प्याज। देखिए प्याज हाफ फ्राई हुआ है, इसे ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, हाफ फ्राई ही रहेगा प्याज। ज़्यादा फ्राई करने से जला जला सा हो जाएगा, फिर वो वाली बात नहीं होगी। और इसी प्याज में पूरा चिकन पकेगा, इसे पानी नहीं डालूँगी। ये देखिए चिकन हरियाली के लिए। इसमें बिल्कुल पानी नहीं पड़ेगा। अब इसे मैं ढक ढक के पकाऊंगी। तो देखिए ये चिकन हरियाली पक रहा है, और इसके पकने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए बनाने समय घबराइएगा नहीं, थोड़ा आराम से बड़ा प्यार से इसे बनाना होता है, जल्दीबाजी में नहीं बनता, क्योंकि सब कुछ इसमें हरा हरा है, इसे थोड़ा पकने में टाइम लगेगा। फुल गैस पे बनेगा, बिल्कुल फुल फ्लेम करके बनाएं, और बीच बीच में इसको चलाते रहें अच्छी तरह से। जब थोड़ा सा ठीक होने लगे तब एक नींबू के रस इसमें डाल दें। और ऐसे ही अगर लगे कि कहीं नीचे से लग रहा है तो गैस स्लो कर दें, नहीं तो फुल फ्लेम पे बनाएं, या मीडियम में भी बना सकते हैं, और आराम आराम से पकने दे। ये घंटों भर टाइम लगा लेता है पकने में, मैं तो टाइम वैसे नोट नहीं कर रही हूँ, पर जितना देर लगे उतना में आप पका लेना। देखिए इसमें कितना पानी छोड़ दिया, ये सारा मसाले का पानी है, ये हरा मसाला है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाली हूँ, ये अपने आप पानी इसमें छूट रहा है। अब इसे मैं ढक्कन हटा करके पकाऊँगी। और ये नींबू, एक नींबू के रस ले ली हूँ मैं, इसमें नींबू के रस डाल देती हूँ। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। हाफ पक गया है, हाफ और पकना बाकी है इसे। अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। तो देखिए ये बन गया है, और ये देखिए कितना अच्छा, चारों तरफ से घी छोड़ दिया है, और ये देखिए इसका हड्डी छोड़ दिया है, बिल्कुल ये पक गया है। ये देखिए लेग पीस बिल्कुल पक गया है अच्छी तरह से, सबके अंदर ग्रेवी घुस गया है, बिल्कुल जूसी हो गया है ये। बहुत अच्छा, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बना है। मैं गैस बंद कर रही हूँ, और इसे ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा रहेगा और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें टोटल चीज़ ग्रीन है और घी है, सब पौष्टिक चीज़ है इसके अंदर। अगर आपको इच्छा है तो इसमें चिकन मसाला डाल सकते हैं, लेकिन मैं चिकन मसाला नहीं डाल रही हूँ, और मैं इसको धनिया ऊपर से हल्का हल्का डाल देती हूँ। अब मैं इसी कढ़ाई में दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बना दी हूँ तो उठाने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए मैं इसी में दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए ये नींबू,
की हरी मिर्च, हरी मिर्च, नींबू से खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। और ये धनिया, ये चिकन हरियाली बनके तैयार है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने घर में बनाइए, इसे ट्राई करिए और कमेंट करके बताइए। और अच्छा लगे तो मम्मी अम्मी किचन फूड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और फिर मिलती हूँ मैं आगे कोई नई रेसिपी लेकर के।